हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले को लेकर 14 विपक्षी दलों के बिहार बंद का दरभंगा में भी खासा असर। सड़क पर उतरे अली अशरफ फातिमी और भोला यादव समेत कई नेता, रोकी गई रेल, सड़क पर भी चक्का जाम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लहेरिया सराय शाखा में 1.5 करोड़ के गोल्ड लोन घोटाले मामले में आखिरकार दर्ज हुई FIR। पुलिस ने शुरू की जांच, SSP स्वयं कर रहे हैं मॉनिटरिंग। खारिज हुआ अविश्वास प्रस्ताव, बची जिला परिषद अध्यक्षा गीता देवी और उपाध्यक्षा ललिता झा की कुर्सी। और ब्लूप्रिंट तैयार, नवंबर में होगा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, भाव विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह, शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला लहेरिया सराय दरभंगा। डायल करें 8809491122। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन, स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल विरदीपुर दरभंगा। CBSE करिकुलम, क्वालिफाइड टीचर्स फ्रॉम दार्जिलिंग, 5-acre कैंपस विद ह्यूज प्लेग्राउंड, कंप्यूटर क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV सर्विलांस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। कमिंग अप इन फ्यूचर, फुल्ली एयर कंडीशन क्लासेस, स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज एंड एयर कंडीशन हॉस्टल। For more details, dial 94314-600-27, 94300-14701 and 97093-34301। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट लालबाग दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम। शर्ट पैंट, सूट कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट लालबाग। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद GPS, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब, वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर CCTV सर्विलांस, रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू SMS अलर्ट सिस्टम, एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, नो री एडमिशन चार्जेज फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, 5-acre एनवायरमेंट फ्रेंडली कैंपस, ऑल क्लासरूम्स आर एज पर CBSE नॉर्म्स। फॉर मोर डिटेल्स डायल 7763819774। शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। बालिका गृह बलात्कार कांड के खिलाफ विभिन्न दलों का बंद सफल, राजद विधायक भी उतरे सड़क पर, सड़क जाम कर दोषियों को फांसी देने की मांग।
विभिन्न दलों द्वारा बुलाए गए बिहार बंद का मिला जुला असर रहा और मूल रूप से बंद स्वतः स्फूर्त और सफल भी रहा। मुजफ्फरपुर बालिका गृह बलात्कार कांड, दलितों पर बढ़ते हमले और गरीबों को उजाड़ने के खिलाफ बिहार बंद के दौरान का आज अहले सुबह से ही दरभंगा में बंद का असर खूब दिखा। बिहार बंद में शामिल कुल 14 विपक्षी पार्टियां अपने अपने स्तर से इस बंद को सफल बनाने में लगी हुई थी। इसी कड़ी में लालू के हनुमान सब बहादुरपुर विधानसभा के राजद विधायक भोला यादव ने दरभंगा कुशेश्वर स्थान पथ को गंज चौक के पास जाम कर सरकार विरोधी नारेबाजी की जमकर। वहीं सड़क जाम कर रहे राजद विधायक भोला यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार संरक्षित पोषित मुजफ्फरपुर बालिका गृह में लड़कियों के साथ बलात्कार, कई लड़कियों की गुमशुदगी की घटना ने बिहार को देश दुनिया में शर्मसार किया है और सारी दास्तान सबके सामने है। एक तरह से सामूहिक बलात्कार की यह घटना है। 34 लड़कियों के साथ लगातार रेप हो रहा था और सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। इस बंदी की मुख्य वजह यह है कि ऐसी घटना फिर से बिहार में न हो और दोषियों को फांसी की सजा मिले। सारे दास्तान आपके सामने में है। एक तरह से सामूहिक बलात्कार का यह घटना है। 34 लड़कियों के साथ लगातार रेप होते रहा लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा था। ये बंद इसीलिए किया गया है जो इस तरह का घटना जो हो रहा है उस घटना में जो दोषी है वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाए। CBI अपना जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार को चाहिए जो सारे कागजात के साथ सारे तथ्यों के साथ CBI के सामने में रखे और जो दोषी है उसको फांसी की सजा का ऐलान करे। इस मुद्दे पर 14 विपक्षी पार्टियां एकजुट रहीं और अपने अपने स्तर पर जगह जगह उन्होंने रास्ता अवरुद्ध किया, कहीं रोकी रेल तो कहीं किया सड़क का चक्का जाम। आज मुजफ्फरपुर बालिका गृह बलात्कार कांड के खिलाफ संपूर्ण बिहार बंद है और साथ ही शराबबंदी कानून के तहत जो भी 1.5 लाख लोग बिहार के जेल में बंद है उनकी रिहाई को लेकर के ये बिहार बंद है। और इस बिहार बंद के क्रम में हम लोग लहरिया सराय स्टेशन पर जानकी एक्सप्रेस को रोके हुए हैं। हम सराय दरभंगा बहेली रोड के जाम केने छे। सवाल अइ लको गरीब के घर उजारल जा रहल छे। मुजफ्फरपुर में महिला बाल गृह में दुष्कर्म भ रहा है। कोई दोषी के फांसी के सजा हो। विफल है इन विफल सरकार ने न केवल महिलाओं बेटियों की रक्षा करने में विफलता की बल्कि बाहर और भीतर इज्जत लूटने वालों बलात्कारियों की संरक्षण देने का काम किया, उसे बचाने का काम किया। जब CBI जांच की मांग की गई तो सरकार ने CBI जांच की मांग की। जब आंदोलन हुआ तो CBI जांच की बात स्वीकार की गई। लेकिन हम इस बिहार बंद के माध्यम से कहना चाहते हैं कि CBI जांच सिर्फ मुजफ्फरपुर बालिका गृह की ही नहीं, बिहार में जितना बालिका गृह है, जितना नारी निकेतन है, सब में अत्याचार है, सब में बलात्कार है। दरभंगा बंद किया गया था, पूरे बिहार बंद किया गया था। इसके माध्यम से हम लोग जो है सत्ताधारी पार्टी को जो है उखाड़ फेंकने के लिए एकत्रित हुए हैं और पूरे जन आंदोलन करने का कार्यक्रम किए हैं। वाम दल के द्वारा जो यहां पे बिहार बंद का आह्वान किया गया था इसमें वाम दल के अलावा 14 अन्य पार्टियों के साथ हम लोगों ने समर्थन दिया था राष्ट्रीय जनता दल ने। आज ये बंदिश पूर्णतः सफल हुआ है क्योंकि एक ऐसी घटना के ऊपर बंदिश है जो बिहार नहीं संपूर्ण देश नहीं पूरे दुनिया में इसको शर्मसार करने वाली घटना है। इंसानियत को जिस तरह से शर्मसार हुआ है ये राज्य सरकार जो शासन में बैठी है, केंद्र सरकार जो शासन में बैठी है आज तक एक भी बयानबाजी उसके ऊपर नहीं दी है। नहीं ट्वीट आया है जो ट्वीटबाजी वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और नीतीश कुमार हैं, इनका एक भी ट्वीट इस शर्मसार घटना पे नहीं आया है। तो इनको जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। और इस घटना में जिन मंत्रियों का नाम आ रहा है खासकर जो मंजू वर्मा है समाज कल्याण मंत्री, वो कह रही कि तेजस्वी जी गए थे तब हमारा ऐसा हुआ। तो तेजस्वी जी नहीं जाते तो आपकी जो संलिप्तता थी वो उजागर नहीं होती। इसीलिए अब आपकी संलिप्तता उजागर हुई है नेता विपक्ष के जाने के बाद। तो आपको अविलंब अपने वैचारिक और नैतिकता आपका यही बनता है क्योंकि आप भी एक महिला हैं और उस बेटी का दर्द अगर आप समझते होंगे तो वैचारिक और नैतिक रूप से आप नैतिकता समझ के आप जरूर है कि इस्तीफा देंगे। SBI गोल्ड लोन घोटाले में आखिरकार दर्ज हुई FIR, पुलिस अब करेगी अपने स्तर से मामले की जांच।
एसबीआई के गोल्ड लोन में करोड़ों का फर्जीवाड़ा, पीतल जमाकर बैंक से निकाल लिया था गोल्ड लोन, बैंक ने दर्ज कराई थाने में प्राथमिकी। दरभंगा जिले के लहरियासराय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल चौक शाखा से नकली सोना यानी पीतल के बने आभूषणों को बैंक में जमा कर लोगों ने बैंक से 1,49,00,000 रुपए की निकासी कर ली थी, लेकिन बैंक को इसकी भनक तक नहीं लगी। 5 साल से चल रहे इस काले कारनामे का खुलासा होता भी नहीं अगर बाहर से आई बैंक को ऑडिट करने वाली टीम भौतिक रूप से उसका सत्यापन करने के लिए जमा आभूषणों को नहीं देखती। बैंक में जमा सोने को जब ऑडिट टीम ने देखा तो सभी के होश उड़ गए। जिसे बैंक ने सोना समझकर अपने लॉकर में रखा था वह जांच में नकली सोना यानी पीतल निकला। आश्चर्य की बात यह है कि 88 लोगों ने इस काम को बड़ी ही आसानी से अंजाम दिया और बैंक से गोल्ड लोन की यह मोटी रकम उठा ली, लेकिन बैंक को एक बार भी शक तक नहीं हुआ। जबकि एक आदमी कई बार गोल्ड लोन लेने में सफल रहा और सभी लोन निकालने वाले एक दूसरे के जानने वाले हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि यह गोरख धंधा बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति से किया जा रहा था। मामला प्रकाश में आते ही बैंक प्रबंधन ने इसकी पूरी जांच अपने स्तर पर की, जिसके बाद 88 ग्राहकों के साथ 2 सुनार के खिलाफ भी पुलिस में लिखित शिकायत की गई है, जो दुकानदार नकली सोने को असली सोने का सर्टिफिकेट देता था और बैंक उसी आधार पर लोगों को गोल्ड लोन देने का काम करती थी। इधर बैंक के मैनेजर दिलीप चौधरी ने भी मीडिया से बात करते हुए साफ शब्दों में कहा कि बैंक के तरफ से लापरवाही हुई इसलिए ऐसी घटना हुई, लेकिन अपने कर्मचारियों को बचाते हुए यह भी कहा कि सीधे सीधे किसी बैंक कर्मचारी का हाथ इसमें नजर नहीं आ रहा और इसका पूरा ठीकरा सोने के उस दुकानदार पर फोड़ दिया जिसने नकली सोने को असली सोना बताकर सर्टिफिकेट दिया था। यही नहीं, शाखा प्रबंधक की माने तो इस गोरख धंधे का मास्टरमाइंड भी सोने का वही धंधा करने वाला दुकानदार है जिससे बैंक ने अपना एक अनुबंध कर रखा था। इधर बैंक से अनुबंध कर रखे दुकानदार मामला सामने आते ही दुकान हीरा पन्ना ज्वेलर्स बंद कर फरार हो गया है। मामले की शिकायत के बाद ही पुलिस इस गोल्ड लोन घोटाले पर सक्रिय हो गई और पूरे मामले को दरभंगा के एसएसपी मनोज कुमार खुद मॉनिटर भी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए एसएसपी ने बताया कि पूरा मामला 400 बीसी का है और फोर्जरी एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। इसमें बैंक लाभ उठाने वाले ग्राहक और सोने की शुद्धता बताने वाला दुकानदार तीनों से पूछताछ की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ये हमारा इम्पैनल्ड जो अप्राइज़र है, गोल्ड लोन अप्राइज़र है, उन्होंने कस्टमर्स को ट्रैप किया और उनके द्वारा ट्रैप करके उन्होंने ही गोल्ड स्पूरियस गोल्ड प्रोवाइड किया, और चूंकि वो खुद ही वैल्यूअर थे, अप्राइज़र थे, तो उससे जो नकली सोना था उसको असली सोना करके और उसको वैल्यूएशन करके बैंक में भेजा गया, और उसके आधार पर हमारे जो अधिकारी हैं यहाँ पर उन्होंने लोन सारे लोगों का सैंक्शन किया था। कितने लोग हैं, टोटल अमाउंट कितना आपके गड़बड़ी हुई? ये 88 अकाउंट्स में गड़बड़ी पाया गया है और लोग के हिसाब से 29 लोग थे इसमें शामिल और 88 अकाउंट्स में गड़बड़ी पाई गई है, और इसमें 1,49,00,000 का गड़बड़ी पाया गया है और आगे भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हम लोगों ने इसमें अभी FIR भी लॉन्च कर दिया है पुलिस के पास। देखिए, अब उनके पास अनुसंधान में लंबित है मामला, आगे देखिए क्या होता है। नहीं, सारे जो ग्राहक हैं सभी करीब करीब एक दूसरे से मिले हुए हैं, सभी का एक ही परिवार के 2 लोग 3 लोग 4 लोगों को ट्रैप किया गया है सोनार के द्वारा और उसके द्वारा ही फिर काम किया गया है। यह फ्रॉड उनको भेजा गया ब्रांच में गोल्ड के लेकर के, फिर हमारे यहाँ से ऑफिसर गए, उसको उसका वेरिफिकेशन करवाया और उस वेरिफिकेशन में उस फेक गोल्ड को भी, जो गोल्ड स्मिथ है, उसको रियल गोल्ड एक्चुअल गोल्ड बता करके उसका मार्केट वैल्यू करके सर्टिफिकेट दे करके हमारे यहाँ भेजा गया, जिसके तहत हमारे ऑफिसर ने सारा लोन सैंक्शन किया। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 से 3 बार भी लिया हुआ है और वो 2 से 3 बार भी कंटिन्यू कर रहा है। ये मामला अमानत में खयानत का मामला है, 400 बीसी का मामला है, धोखाधड़ी का मामला है। उपयुक्त सेक्शन में केस दर्ज किए गए हैं और अनुसंधान के बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे।
इसमें क्या लगता है सर, मास्टरमाइंड कुछ समझ में आ रहा है था कौन, बैंकर्स है या फिर वो ज्वेलर्स है जो अभी कांड दर्ज किए गए हैं, लेकिन स्पष्ट है कि तीनों लेवल पर फ्रॉड किए गए हैं। जो व्यक्ति लोन लिया है, जो व्यक्ति सर्टिफिकेशन किया है और जो जांच कर रहे थे कि कहीं धोखाधड़ी तो नहीं हो रहा है, हमारा अनुसंधान तीनों बिंदु पर केंद्रित है। एक ही आदमी सर कई बार लिया है तो ये क्या मोटिव? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत और फ्रॉड करने के दृष्टिकोण से, रॉन्गफुल लॉस करने के दृष्टिकोण से, रॉन्गफुल गेन करने के दृष्टिकोण से ये अपराध किया गया है, जिसमें सारे तथ्य हैं जो एविडेंस है, डॉक्यूमेंटेड है। अनुसंधान के दौरान सभी को हम लोग संकलित करेंगे और कार्रवाई करेंगे। खारिज हुआ अविश्वास प्रस्ताव, बच गई जिला परिषद अध्यक्ष गीता देवी और उपाध्यक्ष ललिता झा की कुर्सी। 11 बजे सुबह बैठक शुरू हुई जिलाधिकारी के समक्ष, 11 बजे 9 सदस्य उपस्थित हुए। 11:30 बजे तक सदस्यों की प्रतीक्षा करने के बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्रवाई प्रारंभ हुई। अविश्वास मत के विरुद्ध राम कुमार झा बबलू ने चर्चा में भाग लेते हुए आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया और इसे खारिज करने की मांग की, जिसे ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया। कम संख्या के कारण मत विभाजन नहीं हुआ। आज हमारे जिला परिषद सदस्य की जीत हुई है, सभी सदस्य की जीत हुई है। आज जो हुआ है, जिला परिषद की अध्यक्ष पहली बार दरभंगा महाराज के बाद दलदल भावनाओं से पहली बार हमारी जिला परिषद की अध्यक्ष की 5 साल की कुर्सी रही, यह हमारी जिला परिषद की सदस्यों की जीत है। मेरा जितना सदस्य पास है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतना सम्मान मान सम्मान के लिए। इसमें ये सर्वसम्मति से जितने उपस्थित सदस्य हैं इसको खारिज कर दिए हैं, अस्वीकृत किए हैं और इसमें मत विभाजन की आवश्यकता नहीं पड़ी है। जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो खारिज हो गया। आज अविश्वास प्रस्ताव जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाया गया था, जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई और उस पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान जो उपलब्ध संख्या थी सदस्यों के और जो विमर्श में जो निर्णय लिया गया, उसमें जिला पदाधिकारी से अध्यक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ। नवंबर में होगा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, डॉक्टर त्रिपाठी बने संयोजक। संस्कृत विश्वविद्यालय में नवंबर माह में दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा सकता है, इसके लिए महामहिम कुलाधिपति से अनुरोध किया गया है। वैसे कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने इस कार्यक्रम के लिए विस्तार से ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और CCDC प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी को इसके लिए संयोजक भी बनाया गया है। उक्त जानकारी देते हुए PRO निशिकांत ने बताया कि समारोह से संबंधित सभी दायित्वों का निर्वहन भी प्रोफेसर त्रिपाठी को ही करना है। सफल संचालन के लिए समितियों के गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि प्रस्तावित दीक्षांत समारोह में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के छात्रों को उपाधि व प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व विश्वविद्यालय में फरवरी 2016 में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ था। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अधीन संचालित एक वर्षीय पत्रकारिता सर्टिफिकेट कोर्स सत्र 2018-2019 में नामांकन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन 14 अगस्त 2018 तक आमंत्रित किए गए हैं। विभागाध्यक्ष हिंदी सहनिदेशक पत्रकारिता एवं जनसंचार मिथिला विश्वविद्यालय डॉ. चंद्रभानु प्रसाद सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रोस्पेक्टस एवं विहित आवेदन प्रपत्र नगद 100 रुपये भुगतान कर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से कार्यावधि में प्राप्त किया जा सकता है। इस पाठ्यक्रम में नामांकन की न्यूनतम योग्यता 45% अंक के साथ इंटर के किसी भी संकाय में उत्तीर्णता है। स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत या सेवारत भी इस पाठ्यक्रम में नामांकन ले सकते हैं। इन द फील्ड ऑफ प्ले स्कूल, अ ट्रस्टेड ब्रांड, नन्ही दुनिया, अ पाठशाला ऑफ एक्सेलेंस, मिथिला कॉलोनी लक्ष्मी सागर, राजकुमारगंज, दिघी वेस्ट दरभंगा, शंकर चौक मधुबनी एंड सेक्टर 116 नोएडा। वर्ल्ड पीस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी, नर्सरी, KG एंड UKG।
क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड्स लास्टिंग बेनिफिट्स फॉर चिल्ड्रंस डेवलपमेंट एंड फ्यूचर्स, मल्टीकल्चरल एक्सपोजर एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वर्टिकल ग्रुपिंग. फॉर मोर डिटेल्स डायल 83109-6354-7952-58-66807 and 99347-96024. हज और उमरा करिए हमारे साथ. पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन. नफीसा हज एवं उमरा ट्रेवल्स बाजार समिति गेट के सामने शिवधारा दरभंगा. पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को. इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उमरा के काफिले की होती रहेगी रवानगी. हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 9835686530-99397-97586. अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में. आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के भव्य शोरूम आरएस ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व्स की इंजन, एप्रिलिया और वेस्पा दोनों ही सेगमेंट में उपलब्ध और रंग ऐसे कि हर कलर खूब लुभाएंगे आपको. सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर, लॉन्ग लास्टिंग मेटल बॉडी के साथ आइए आरएस ऑटो शिवधारा दरभंगा में. डायल करें 9430527162 और 9430527163. आधुनिक एमएस इंपोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट मौलागंज दरभंगा. हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान. पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टीवियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध. व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज. हेडलाइंस आर स्पॉन्सर्ड बाय ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर चौक दरभंगा, अ ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी, जी, मेडिकल, प्लस टू, बोर्ड, प्री फाउंडेशन फॉर क्लासेस 7th to 10th, एनटीएससी एंड ओलंपियाड. मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले को लेकर 14 विपक्षी दलों के बिहार बंद का दरभंगा में भी खासा असर. सड़क पर उतरे अली अशरफ फातिमी और भोला यादव समेत कई नेता, रोकी गई रेल, सड़क पर भी चक्का जाम. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लहेरिया सराय शाखा में 1.5 करोड़ के गोल्ड लोन घोटाले मामले में आखिरकार दर्ज हुई एफआईआर. पुलिस ने शुरू की जांच, एसएसपी स्वयं कर रहे हैं मॉनिटरिंग. खारिज हुआ अविश्वास प्रस्ताव, बची जिला परिषद अध्यक्षा गीता देवी और उपाध्यक्षा ललिता झा की कुर्सी. और ब्लूप्रिंट तैयार, नवंबर में होगा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम की हुई शुरुआत. 2 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम की शुरुआत राजकीय मध्य विद्यालय बंसीदास जीएनगंज लहेरियासराय में सिविल सर्जन डॉक्टर दिलीप कुमार मिश्रा के द्वारा बच्चों को कृमि की दवा खिलाकर की गई. इस अवसर पर उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम आज जिले के सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर चलाया जा रहा है, जिसमें 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को लक्ष्य के रूप में रखा गया है. अगर कोई बच्चा आज वंचित रह जाता है तो 13 अगस्त को यह दवा खिलाई जाएगी. इस दवा से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है. कृमि का संक्रमण साफ सफाई और अस्वच्छता के कारण संक्रमित मिट्टी के संपर्क में आने से कृमि बच्चों के आंत में पहुंचते हैं, जिसके कारण बच्चों में कमजोरी, भूख न लगना, खून की कमी, कुपोषण जैसे लक्षण हो सकते हैं.
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय 5 अगस्त को अपनी स्थापना की वर्षगांठ मना रहा है। विश्वविद्यालय के 46वें स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का वृहत आयोजन किया जा रहा है और इसको लेकर विश्वविद्यालय मुख्यालय को आकर्षक ढंग से सजाया संवारा जा रहा है। खुले में शौच मुक्त अभियान की गति को और तेज करने के लिए ऑडियो विजुअल सुविधा से युक्त 3 रथों की रवानगी हुई समाहरणालय से। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह और उप विकास आयुक्त डॉ. कारी प्रसाद महतो ने संयुक्त रूप से इन रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रथों के माध्यम से जिले के सभी गाँव एवं टोला में स्वच्छता अभियान से संबंधित फिल्में दिखाई जाएंगी और लोगों को शौचालय बनवाने और उसके नियमित उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। मिलकर बनाएंगे स्वच्छ बिहार, यह कार्यक्रम है। पूरे बिहार में हमारा दरभंगा जिला को भी लोग दिसंबर 18 तक पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखें और इसमें गांव, टोला, मोहल्ला, पंचायत स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर सभी को जागरूक करने के लिए यह एक जागरूकता अभियान चल रहा है ताकि सभी लोग इसके प्रति जागरूक हों और लोगों का व्यवहार परिवर्तन हो और लोग स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे। और आज से यह 15 अगस्त तक चलेगा और इस कार्यक्रम के दौरान जो हमारे सबसे अधिक सक्रिय लोग होंगे, जो स्वच्छता के प्रति समर्पित होंगे, हम लोग उसको स्वच्छता सेनानी के रूप में 15 अगस्त को सम्मानित करेंगे। सर, किन किन क्षेत्रों में जाएगा ये रथ? ये 3 रथ है, हम लोगों ने पूरे ज़िले को 3 सेक्टर में बांट दिया है। एक रथ अमूमन 3-4 प्रखंड में जाएंगे और ये हर एक गांव में जो छुटे हुए हैं, जहां तक जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, तो वहाँ तक जाएंगे और वहाँ ये खड़े होकर लोगों को दिखाएंगे। स्पेशली जो महादलित टोले हैं, जो पिछड़े हैं, जहाँ इसमें जागरूक करने की अति आवश्यकता है, ऐसे चिन्हित टोला गांव में जाकर या इसमें जो वीडियो लगा हुआ है जिसके माध्यम से स्वच्छता के महत्व, शौचालय निर्माण, किस तरह से हम स्वस्थ रहेंगे, इस सारी विषयों पर पूरा एक वीडियो क्लिप बना के दिखाया जा रहा है और ये दिखाया जाए। सर, इसमें GPS सिस्टम भी लगा होगा? हाँ, GPS सिस्टम लगा हुआ है, इसीलिए लगा हुआ है ये जो हम जो भेज रहे हैं तो वो गांव टोलों में गया कि नहीं गया, ये हमको जानकारी मिलेगी। क्योंकि उद्देश्य है कि हमारे जो टोले हैं दूर देहात में, जहां अभी भी जागरूक करने की आवश्यकता है, अभी भी स्वास्थ्य के प्रति लोग सचेत नहीं हैं, तो ऐसे टोला मोहल्लों में ये जाए, इसीलिए हम लोगों ने इसको GPS लगाया है और GPS सिस्टम के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। लायंस क्लब दरभंगा के तत्वावधान में 1-7 अगस्त तक विश्व स्तनपान जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत 2 अगस्त को सोनकी गांव में लायंस क्लब के तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया। लायंस क्लब के अध्यक्ष लायन SM माइकल ने बताया कि अगस्त महीने के प्रथम सप्ताह को पूरे विश्व में स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और लायंस क्लब दरभंगा भी पूरे सप्ताह जागरूकता अभियान चलाएगी। इस अवसर पर चेयरमैन मेडिकल समिति लायंस क्लब लायन डॉक्टर उत्सव राज ने बताया कि युवा माँ आमतौर पर अपने बच्चे को स्तनपान कराने से बचती है जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक है। स्तनपान नहीं करवाने से माँ के स्तन में दूध सूख जाता है, जिससे माँ को कई तरह की बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लायंस क्लब के पूर्व डायरेक्टर गवर्नर लायन पवन कुमार सुरेखा ने बताया कि लायंस क्लब दरभंगा पूरे सप्ताह स्तनपान जागरूकता अभियान चलाएगी, जिसके तहत लायंस क्लब के सदस्य गांव-गांव जाकर महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। सचिव लायन अनिल कुमार सिंह ने बताया कि क्लब की ओर से रविवार 5 अगस्त को शहर की महिलाओं को स्तनपान कराने के लिए जागरूक कराने हेतु सावन मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें स्तनपान जागरूकता को प्राथमिकता दी गई है। सावन उत्सव की सह संयोजिका जागृति केडिया ने महिलाओं को समझाया कि बच्चे के लिए माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध अमृत के समान है। लायंस क्लब के सह सचिव ओम प्रकाश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष लायन प्रभात बोहरा, जनसंपर्क पदाधिकारी लायन प्रकाश कुमार, लायन कोमल ठाकुर, लायन प्रेरणा लाठ समेत काफी संख्या में सदस्य उपस्थित हुए।
मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले को लेकर 14 विपक्षी दलों के बिहार बंद का दरभंगा में भी खासा असर। सड़क पर उतरे अली अशरफ फातिमी और भोला यादव समेत कई नेता, रोकी गई रेल, सड़क पर भी चक्का जाम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लहेरिया सराय शाखा में 1.5 करोड़ के गोल्ड लोन घोटाले मामले में आखिरकार दर्ज हुई FIR, पुलिस ने शुरू की जांच, SSP स्वयं कर रहे हैं मॉनिटरिंग। खारिज हुआ अविश्वास प्रस्ताव, बची जिला परिषद अध्यक्षा गीता देवी और उपाध्यक्षा ललिता झा की कुर्सी। और ब्लूप्रिंट तैयार, नवंबर में होगा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह।